हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल जी। चलो भाई, पहले पीआर 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 की बातें हो रही थी जी, ठीक है। फिर भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट के बारे में डिस्कशन हो गई कि भाई परमानेंट चेंज कर दिया जाएगा सितंबर से, ठीक है। 24 आवर्स पर वीक हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। करते करते चलो जी, वो चीज भी खत्म हो गई, वो चीज भी खत्म हो गई। आपको पता है भाई, टेम्परेरी इमिग्रेंट्स जो हैं वो कनाडा जी देखो एफर्ट्स तो कर रहा है, क्योंकि बैकलॉग इनके पास और टोटल जो विद इन सर्विसेज विद इन प्रोसेसिंग टाइम में है एप्लीकेशंस, अच्छा खासा स्टॉक इनके पास है, अच्छी खासी इन्वेंट्री इनके पास है, ठीक है ना। 22 लाख से भी ज्यादा एप्लीकेशन इनके पास पड़ी हुई है जी, ये आपको भी पता है। तो कहीं ना कहीं भाई देखो, इमिग्रेशन की तरफ से एफर्ट्स तो हो रहे हैं, ठीक है। तो जी सब चीजों के देखो, स्पाउस वीजा भी इन्होंने बोल दिया कि मैं मास्टर्स और जो डॉक्टर प्रोग्राम वाले होंगे वही बुला सकते हैं, अपने पार्टनर्स को दूसरे बुला भी नहीं सकते। ऊपर से पीपी वाला जो कर दिए इन्होंने कि भाई अगर आप पब्लिक में पब्लिक कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ रहे हो तभी आपको वर्क परमिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो सारी चीजें करते करते क्या बच गया भाई, और पीआर के लिए भी इन्होंने इतनी स्ट्रिक्टनेस कर दी है। करते 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 अब बारी बारी है भाई असाइलम केसेस, अब भाई है रिफ्यूजी जो स्टेटस भाई क्लेम करते हैं लोग जो ढूंढते हैं उस चीज के लिए, अब बारी आएगी उनकी, ठीक है जी। जैसे मैंने भाई पहले भी थोड़े दिन पहले बताया था कि नियाग्रा में बहुत सारे होटल्स हैं जहां पे भाई इमिग्रेशन वालों ने जो असाइलम केसेस वाले हैं, ठीक है जी, उनको रहने के लिए जगह दी हुई है कि हाँ जी भाई आप रहो, और अच्छा खासा खर्चा भी गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है भाई उनपे, है ना। तो ये भी भाई रिपोर्ट निकल के आ रही है, ये भी कहा जा रहा है कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं जिनका वीजा एक्सपायर होने वाला होता है या फिर हो जाता है, तो वो जी असाइलम केसेस क्लेम कर लेते हैं जी, और उसमें भाई अपनी फाइल लगा देते हैं, वो चलता रहता है, केस चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे अच्छा खासा बर्डन आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को ही ध्यान रखना पड़ता है। होता क्या है भाई ये कि हाँ जी उन्होंने बोल दिया हमें तो जी अपनी कंट्री से नुकसान है, हमें तो डर है, हमारी जान को खतरा है जी, हम भी वापिस आ जा सकते हैं, या कोई और रीजन दे दे कि हम नहीं भाई हमारी जान को खतरा है, तो जी आप हमें यहीं पे रखो, हम नहीं कर सकते भाई, हम नहीं वापस जा सकते। और कनाडा भाई इस चीज के लिए है कि हाँ जी भाई ठीक है, अगर उन्होंने बोल दिया कि हमारी जान को खतरा है तो भाई फिर कनाडा जी ठीक है, सब वेरीफाई करेगी, सब चीजें देख के उनको भाई यहाँ पे रख लेते हैं। अब ऐसा नहीं भी कहीं भाई फिर सब सही केस होते हैं, फेक केसेस बहुत होते हैं। अब सबसे बड़ी भाई यही चीज निकल के आ रही है कि भाई ये बड़ी डरावनी फिगर है कि पिछले कुछ महीनों में या पिछले साल के कंपैरेटिवली तो भाई बहुत नंबर ये बढ़ा है, बहुत नंबर बढ़ा है। और लेकिन अभी फिर इमिग्रेशन वाले भाई ये सोच रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको अभी, और जल्दी आपको न्यूज मिल भी जाएगी कि भाई कुछ ना कुछ अब तकड़ा निकलेगा, तकड़ा निकलेगा। क्योंकि भाई मान लो किसी का केस रिफ्यूज हो गया, रिजेक्शन आ गई भाई इस केस में, ठीक है, असाइलम उसको नहीं मिला, तो भाई उसमें क्या है फिर, उसको रिपोर्ट भी तो करना है। रिपोर्ट के लिए भाई इतना इजी थोड़ी होगा एजेंसी वालों के लिए यार, बंदे को ढूंढो, ये करो, वारंट इशू किए हुए तभी बंदा नहीं मिल रहा, ये करो वो करो, भाई इट्स सो डिफिकल्ट, और बहुत ज्यादा चीजें हैक्टिक हो जाती हैं। तो करते 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 भाई इमिग्रेशन वाले मुझे लगता है तकड़ा ही फैसला लेंगे, क्योंकि एक तो भाई अच्छा खासा देखो पैसा इन्वॉल्व है, और ऊपर से भाई इतना ज्यादा इमिग्रेशन को लेके भाई इतनी ज्यादा चीजें अनऑर्गेनाइज है आज की डेट में, उसको भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है, और यही एक सेगमेंट बचा है भाई जिसपे अब मुझे लगता है अच्छे खासे आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ आपको जल्दी सुनने को मिलेगा भाई, वो क्या होता है क्या नहीं होता ये आने वाला टाइम बताएगा। बाकी हमने न्यूज पे कड़ी नजर रखी हुई है जो भी होता है, बट हाँ असाइलम केसेस जी ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, पीआर के बारे में बहुत सुन लिया, स्टडी परमिट के बारे में बहुत सुन लिया, वर्क परमिट के बारे में बहुत सुन लिया, अब भाई बारी आएगी असाइलम वाले, रिफ्यूजी केसेस। लेट्स सी भाई क्या होता है क्या नहीं होता, और बट मैं तो यही करूंगा भाई जो एक्चुअल में जेन्युइन केसेस हैं वो पास होने चाहिए, लेकिन जो फेक केसेस हैं वो डेफिनेटली रिजेक्ट होने चाहिए और उनको घर भेज देना चाहिए, क्योंकि भाई इस कंट्री में ऑलरेडी बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स हैं, और ऑथेंटिसिटी की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है, जेन्युइन लोग ही होने चाहिए जो भाई डिजर्व नहीं करते उनको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, राइट। तो चलो भाई यही टॉपिक था आज का, बाकी आज सी नेक्स्ट टाइम टॉपिक का डिस्कशन, टीजेंसी सिस्टम का अपना ध्यान रखना, बाय बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।